है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा छोला बना हुआ है, होटल जैसे छोला है। आप लोग देख सकते हैं पास से कितना बड़ा बड़ा छोला हो गया है फूल के। तो सबसे पहले मैं चूल्हा जला लेती हूँ और उसके बाद ये छोला उबाल लेती हूँ। पानी डाल देती हूँ, तो मैं पानी डाल दी हूँ और थोड़ा नमक डाल देती हूँ हल्का। और चूल्हा हमारा जल गया है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तो कुकर में चढ़ा देती हूँ और दोस्तों इसमें कम से कम 4 सीटी आने तक इसको पका लूंगी। तब तक हमारा छोला उधर उबलेगा, तब तक हम आटा सान लेती हूँ अच्छे से, एकदम इतना मुलायम मस्त आटा गूंधी हूँ। और दोस्तों कम से कम 10-15 मिनट छोला हमारा उबल गया है, इसको नीचे उतार लेती हूँ, कुकर ठंडा हो जाएगा अपने आप। दोस्तों कढ़ाई चढ़ाती हूँ, दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गई है, तेल डाल देती हूँ। और दोस्तों बहुत डर लग रहा है, बादल बहुत तेज है, हमारा गर्म हो गया है, तेज पत्ता डाल देती हूँ। और ये लहसुन है, इसको डाल देती हूँ, लहसुन का हल्का कलर चेंज होने तक इसको पकाती हूँ। दोस्तों ये मिर्च है और ये जीरा है और ये खड़े मसाले हैं, गरम मसाला, इलायची और लौंग और सब चीज है दोस्तों जितना होता है ये। तो इसको डाल देती हूँ, लहसुन हो गया है। तो ये खड़े मिर्चा है, मतलब हरे मिर्च है, इनको डाल देती हूँ। और ये प्याज है, प्याज का पेस्ट इसको डाल देती हूँ, अच्छे से चला देती हूँ इसको। और ये टमाटर है, टमाटर का पेस्ट ये भी डाल देती हूँ, साथ में पक जाएगा। इसको दोस्तों कम से कम 3-4 मिनट इसको चला लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, इसी तरीके से भूज लेती हूँ। दोस्तों प्याज और जो है टमाटर आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से पक गया है, 3-4 मिनट हो गया है। तो अब इसमें मसाला डाल देती हूँ और दोस्तों हमारा मिक्स मसाला होगी, इतना डाल देती हूँ। अभी और मसाले इसमें पड़ेंगे, मिर्चा है तो थोड़ा मैं डाल रही हूँ। और दोस्तों तीखा आप लोग अपने हिसाब से बनाना, नमक स्वाद के अनुसार, इसलिए मैं छोला में भी डाले थे जब उबाल रही थी, थोड़ा डाले थे। तो इसको मिक्स कर देती हूँ। दोस्तों उधर हमारा मसाला पक रहा है, छोला देख लेती हूँ, कुकर ठंडा हो गया है, इसी से चला रही हूँ। तो इसी से मैं दिखा रही हूँ आप सबको, है ये आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से बहुत अच्छे से पक गया है, दोस्तों हवा नहीं चल रही है, उमस इतनी हो रही है दोस्तों, पता नहीं कितनी टाइम बारिश होने लगे। और दोस्तों एक चम्मच रहा है, 2 चम्मच डालूंगी मैं, 2 चम्मच डाल दिए हैं। ये चम्मच छोटा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये दोस्तों छोला मसाला है, ये बैठे हुआ। और दोस्तों मैं छोला बनाती हूँ तो ये वाला छोला मसाला मतलब मंगा लेती हूँ, 10 रुपए मिलता है ये वाला, तो ये पैकेट इसमें से निकलता है, तो यही वाला डाल देती हूँ, बहुत अच्छा बनता है छोला दोस्तों इसे। दोस्तों ये सब मसाले अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ, सुपर डुपर दोस्तों हमारी रेसिपी बनती है। तो इसको ढक देती हूँ, इसको कम से कम 3-4 मिनट के लिए इसको ढक दी हूँ। और छोला दोस्तों हमारा एकदम पका ही है, सब देखती हूँ।
इसमें धनिया डाल देती हूँ। तो दोस्तों मैं उतार लेती हूँ कढ़ाई नीचे इस तरीके का है। अभी जब तक जो है पूड़ी बनाऊंगी। और दोस्तों पूड़ी बनाती हूँ और थोड़ी रोटी सेकती हूँ, इसलिए हमारे यहाँ डॉगी है हमारा जैको, तो दोस्तों हमको रोटी सेकना रोज पड़ता है। देखिए गाइस मम्मी हमारी पूड़ी बना रही हैं, दीदी पूड़ी बेल रही हैं। देखिए गाइस मम्मी ने पूड़ियाँ बना अभी बना रही है मम्मी पूड़ी। ऐसे हमारी पूड़ी फूल गई है, ये देखिए। अरे हमारी बिटिया देखो सामान उठा के भर रही है। दोस्तों बहुत मेहनत पड़ती है, ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर लाओ ऊपर से नीचे ले जाओ सामान। और ये छोटी छोटी पूड़ी दोस्तों एकदम फूली फूली थी। तो ये सब्जी छोला छोला, और दोस्तों एकदम सुपर डुपर खुशबू आ रही है। आप लोग छोला देख सकते हैं तरीके से आप लोग बनाए के छोला, और हमारी रेसिपी जो देखते हैं तो बनाए के आप लोग ट्राई करिए। ये हरा मिर्चा है दोस्तों, ये कितना प्यारा छोला बना हुआ है होटल जैसे। तो दोस्तों इसको ढक देती हूँ, आप लोग देख लीजिए पूड़ी और जो है रोटी और छोला। तो इसको ढक देती हूँ। दोस्तों हमारा खाना तो बन गया है।